आ जाओ, ये मेरे साथ आते हैं, इनको पता है कि हमें खाना देगा, है ना? ये देखिए, इनको मैं, आ जाओ। चलें, ला दो। ये उनका खा जाता है ना, आगे ना खड़े हो जाओ तो। सनसेट चेक करें जी। क्या कह रही? हाँ ऐसे ही करता हूँ। लो जी देखें कितना जबरदस्त मंजर है। एक मिनट, दरवाजा खोलूं। सबर, चले 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 चले। बहुत ज्यादा भूख लगती है इनको। आओ रैबिट, रैबिट आ जाओ। दूसरा रैबिट कहाँ है? ये क्या कर रहे हो भाई? खाना खाओ। क्या हो गया है? परेशान क्यों हो रहे? परेशान नहीं होना। शी है वेरी गुड। ये खुश हो गए, खड़े हो गए। ये भी थोड़ी सी, और डालते हैं ताकि इधर से भी सफाई हो जाए सारी। जी ले खाए, खाओ। ये तो चावल भी बड़े मजे से खाते हैं। चलो जी, आज सब्जी लगा रहे हैं। ये जो भाई है, इसे हमने बुलवाया है। ये यहाँ के रहने वाले हैं। इन्होंने कहा था कि मैं चाचा जी आपको सब्जी लगा दूंगा। और ये पंजाबी हैं, क्योंकि ज्यादा अक्सरियत जहाँ सराइकियों की है, मैं भी सराइकी हूँ, मतलब इतनी समझ नहीं है सब्जियों के बारे में। तो ये एक दिन आए थे हमारे घर, तो इन्होंने देखा, तो इन्होंने कहा कि ये सब कुछ जो है ना ठीक नहीं लगा हुआ। तो अब ये मिर्चें लगा रहे हैं ये साइडों पर। ये देखिए, और करेले, कौन कौन सा बीज है? करेले, मिर्चें? करेले हैं, मिर्चें हैं, पेठा है, अच्छा पूरी है, अच्छा भिंडी है। ये पांच सब्जियां हैं। पांच सब्जियां, पुदीना? पुदीना नहीं है, कद्दू शरीफ है। कद्दू शरीफ, पुदीना भी लाना पड़ेगा? पुदीना लाना नहीं था, उन्होंने कहा जी अभी कल इंशाल्लाह मिल जाएगा। अच्छा पुदीना। तो ये जो मूलियां है ना जी, ये रिमूव करेंगे, क्योंकि अब मूलियों का मौसम भी खत्म हो गया है और हैं भी बहुत ज्यादा, गलती से हमसे लग गई थी। तो ये सारी जगह जो बनाई है, और इस जगह ये प्याज की कण लगा देंगे। और किन्नो दे नाल खट्टी शुरू हो जाने होती है पेमेंट तो थले। अच्छा ये केड़ी चीज अभी है? ये जी भिंडी तो रही है जी, दिखाना भी। सब्जियां भी बड़ी महंगियां ने। हाँ जी। ये बहुत ज्यादा महंगियां ने। नवी नवी आएगी ना, ओदे 200-300 रुपए पाव होएगी। हुण मतलब गल दे, ज्यादा ज्यादा 20 ले के आए 1000 रुपए दे। हाँ जी। ते
ਸਬਜ਼ੀ ਬੰਦਾ ਲੈਣ ਜਾਏ ਤੇ 500 ਰੁਪਏ ਦੀ ਇੰਨੀ ਕੁ ਪਾ ਦੇਣ ਲਿਫਾਫੇ ਚ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਦੇ ਜੀ ਹੈ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਦੀ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਤਕਰੀਬਨ 3 ਮਹੀਨੇ ਖਾਣਾ अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक खैर करिए से जहाँ रहें, खुशाद आबाद हंसते मुस्कुराते रहें, आमीन सुम्मा आमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तो मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग सब खैर करिए से होंगे, यहाँ रहे, खुश रहे, हमेशा की तरह शाद आबाद रहे, हंसते मुस्कुराते रहे, आमीन सुम्मा आमीन। जी तो सब्जियों की सेटिंग आपको कैसी लगी? अच्छा जी, तो आपने कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताना है, पहले हमें पता नहीं था। जी एक हमारा पड़ोसी है तो इसने कहा है चाचा कोई ऐसा मसला नहीं, ये तो बहुत अच्छी बात है आपने सब्जियां लगाई हुई हैं, तो मैं इसकी सेटिंग आपको कर देता हूँ। सारिया मूलियां पूछ सटिया ने, मूलियां बिल्कुल उखाड़ दी हैं, वो पक चुकी थी और मूलियां बहुत ज्यादा लगाई हुई थी हमने। हाँ, लगाई थी कि भाई चलो राफिया का चक्कर चल जाए, राफिया ने तो बहुत ज्यादा मूलियां खाई हैं। तो कहा मैं बहुत ज्यादा मूलियां खा दिया, मैं तो पता नहीं थोड़ियां कुछ खा दिया। अच्छा हाँ जी, तो एक मिनट जी, देखिए व्यूअर कितना प्यारा आज मौसम बना हुआ है, हवा चली हुई है, सारा जो है ना माहौल आपको दिखाते हैं, कितना जबरदस्त रैबिट जो है ना, मुझे ऐसा लग रहा है राफिया कि इनके, हाँ बच्चों की तरह ये, वो देखो ये प्यारे प्यारे बच्चे, ये लेटे एंजॉय करते पे। हाँ देखो अब खो क्या, डक्स कहाँ हैं? खो देने, ओ खो दिए कर। ओ हेलो मिस्टर, हाँ जी, डक्स कहाँ हैं? डक्स लो ये आ गया, खांसी आ रही सो। खांसी ना आए भाई, खांसी आ रही बहुत ज्यादा। ये राफिया के बच्चे हैं छोटे छोटे, तो डॉग्स वो रही डॉग्स वो जा रही हैं सैर कर रही हैं। अच्छा राफिया, राफिया मैं मेरी बात सुनो, अब इनका मौसम हो गया सेट, बहुत जबरदस्त सेटिंग लग रही है, मैं अंदर जाके दिखाता हूँ अपने व्यूअर को। इधर आओ राफिया, ये जो ईंट वगैरह है जी, अब क्योंकि मौसम तब्दील हो गया है, इनको जो इधर जाली लगाते हैं, अच्छा। ये जो ईंट है जी, ये एक खाने में 200 ईंट लगी हुई है, अच्छा। तो 200, 200, 400 और 200, 600 ईंट लगी हुई है इसके अंदर। हाँ तो इसकी वहाँ इनके लिए डक्स के लिए वहाँ हौजी बना लें, बड़ी अच्छा लगती है, बड़ा नहा दे इतने घरों में, जहाँ बना लें इनके लिए एक छोटा सा स्विमिंग पूल, हाँ तकरीबन 300 ईंट लगेगी, ठीक है, या उस एरिया से लेकर इस एरिया तक इनके लिए एक बहुत अच्छा पूल बना लेते हैं, तकरीबन 300 ईंट लग जाएगी और उसके नीचे रोड़ी। अच्छा रेत हमारे पास पड़ी है, मैं आपको दिखाता हूँ, रेत पड़ी है, ये थोड़ी नहीं है, बहुत ज्यादा रेत है। अच्छा रेत ये 3 रेड़ियां हैं, इतनी ज्यादा लगनी नहीं है, छोटी जगह बनानी है ना, तो रेत ये पड़ी हुई है और मैं बजरी भी पड़ी है राफिया, आओ आपको बजरी भी दिखाता हूँ। हाँ सिर्फ मजदूरी लगेगी या एक बोरी सीमेंट की लगेगी, ईंट भी पड़ी है और ये देखें ये बजरी बहुत ज्यादा पड़ी है, ये देखिए जी, नहीं 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 ये साफ हो जाती है, ठीक है, बजरे भी साफ बहुत पड़ी है, तो फिर इनके लिए छोटा सा बना लेते हैं स्विमिंग पूल है, ठीक है। वो डक्स के अंडे भी आपको दिखाते हैं, व्यूअर मारेंगी, अब कैसे गुजरोगी वहां से कैसे गुजरोगी? क्या हो गया, क्या हुआ? नहीं नहीं अब इनका यहाँ छोटा सा पूल बनाते हैं, ठीक है।
अच्छा इसमें करेले, भिंडी, साबित तोरी, सब्ज तोरी जिसे कहते हैं, घिया तोरी भी कहते हैं, और हरी मिर्चें, और लगा हुआ है टमाटर इधर, ठीक है, इधर लगा हुआ है प्याज, इसमें भी प्याज है, प्याज, ठीक है, और बाकी वही चीज़ें लगी हुई हैं, ठीक है, धनिया हमारे पास भरपूर है, ये लहसुन है, सारा कुछ है। तो अब तकरीबन 6-7 आइटम हो गए हैं आपके। लेकिन धनिया थोड़ा फुट छोड़ो, इतना ज्यादा है, चाहते कुछ और पीजो। हाँ, इतना सारा मूलियां जो हैं इधर से रिमूव की हैं, ये थोड़ी सी छोड़ी हैं राफिया के लिए, लेकिन इनके ऊपर है कीड़ा, ये छोटा छोटा कीड़ा, ये देखा है आपने, ये अच्छा कीड़ा छोटा छोटा, ये कीड़ा, ये अच्छा। ये पत्थर कभी नहीं खाना, ये देखिए, वैसा मैं तादिया धनिया पोट के ना, हाँ इस जगह पे कुछ चीज तो कम दी रहने हैं, जजरी अगू नहीं नहीं, धनिया बहुत ज्यादा महंगी, 50 रुपए की इतनी देते हैं, मैं जो था कुआ खाई, मैं कहीं पर उठ जाए जी, डक्स के अंडे, ये देखिए, उठाएं टोकरी टोकरी उठाएं, एक अंडा ये, अब रफिया जो 2-3-4 और लगाने हैं ना डक्स में तो देने, वो इसके बच्चे निकले, फिर बच्चों पे इसको बिठा देते हैं, ठीक है, ठीक है ना, कोई बुला सकते हैं, मैं खुद ही बैठ जाएगी, मेरा ख्याल है जहाँ इसने अंडे दिए हैं वहाँ इनको रख देंगे ना, तो फिर ये खुद ही बैठ जाएंगे। तो ठीक है जी, मौसम बारिश का बना हुआ है, हल्की बूंदा बांदी है, बिल्कुल हल्की हल्की, हो सकता है आ जाए, तो चले ठीक है, इसे बात पे इजाजत ले लें, कल इंशाल्लाह फिर अच्छी वीडियो के साथ मिलते हैं, तब तक अल्लाह हाफिज़, पाकिस्तान जिंदा।